न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। खबर रीवा से है, जहां गुढ़ कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा के द्वारा नगर परिषद गुढ़ में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशियों के लिए जनसभा किया गया। पूर्व संसदीय सचिव राजेंद्र मिश्रा द्वारा नगर के 15 वार्डों में से कई वार्डों में जनसंपर्क करते हुए कांग्रेस प्रत्याशियों के संबंध में जिताने की अपील की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता व समस्त 15 वार्डों के कांग्रेस प्रत्याशी भी मौजूद रहे। पूर्व संसदीय सचिव राजेंद्र मिश्रा ने ज्यादा पार्षदों के जीतने का दावा किया है। पार्षद पद के चयन के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों का चयन आपसी विचार विमर्श के साथ ही सही ढंग से किया गया है। वहीं जब राजेंद्र मिश्रा से गुढ़ अध्यक्ष पद के लिए नाम पूछा गया तो जवाब में उन्होंने कहा कि अध्यक्ष कौन बनेगा ये चुने हुए पार्षद तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। चुनाव का आखिरी दिन है, नगर पंचायतों का जो चुनाव हो रहा है उसका कल आखिरी दिन है। उसके एक शाम पहले हम लोगों ने प्रोग्राम रखा था ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में। इस चुनाव का महत्व अपने आप उस दिन बढ़ गया जिस दिन 15 नंबर की वार्ड की प्रत्याशी ने कहा कि परिस्थितियां जो हों कोई वोट हमको दे ना दे, हम तो जीते हुए हैं। ये इस बात को इशारा करता है कि गुढ़ नगर पंचायत की जनता इस बात को समझे कि ऐसे भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं जो चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन जनता के मत से उनका कोई सरोकार नहीं है, उनको सरकार पर भरोसा है, अपने आकाओं पर भरोसा है। और इसीलिए उन्होंने वीडियो के सामने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मत हमको मिले और चाहे न मिले हम तो जीते हुए हैं। तो मैं केवल इतना ही इस विषय में कहना चाहता हूं, मैंने आज सभा में भी इस बात को कहा और गुढ़ की जनता को मैं अपील भी करना चाहता हूं कि ये एक तरीके से बदनुमा दाग है कि प्रजातंत्र के इस मंदिर में इस तरीके की भाषा का कोई प्रयोग करे, कष्टहननाथ जी के नगरी में कोई इस तरीके की भाषा का अहमियत भरा, घमंड भरा, इस तरीके का कोई अगर सवाल जवाब करता है जनता से तो ये असहनीय है। और मुझे लगता है कि 13 तारीख को गुढ़ नगर पालिका की जनता इसका माकूल जवाब देगी। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान बहुत चतुर हैं, चतुराई के बल पर ही उन्होंने 17-18 साल से यहाँ पर राजकाज किया है। उन्होंने नियम बदला है, नगर पंचायत का नगर निगम का चुनाव महापौर का सीधे जनता से, नगरीय निकाय के पंचायतों के चुनाव पार्षदों से है। तो यहाँ पर खरीद फरोख्त की एक गुंजाइश और अधिक बनेगी, इसलिए मुझे लगता है कि जनता को अपने जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं ठोंक बजा करके पार्षद बनाने की ज़रूरत है क्योंकि वही अपने अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। मैं आज के इस आयोजन के माध्यम से जो नगर पंचायत में चुनाव जीत करके जाएंगे लोग उनके प्रति और विशेष करके ग्रामीण अंचलों में जो सरपंच पंच और जिला पंचायत के सदस्य दाइमा जी यहाँ खड़े हुए हैं, ये सारे लोग जो चुनाव जीत के आए हैं, यंग है, 30-31 साल का लड़का चुनाव अपने बूथ पर, 21 साल का बालक आपके सामने खड़ा हुआ है, ये प्रजातंत्र की मजबूती है।
और आगे आने वाले समय में इन्हीं को संभालना है, इन्हीं को देखना है। मुझे भरोसा है कि नगर पंचायत गुढ़ में इस बार कांग्रेस का परचम फहराएगा।